हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नारियल के छिलके से हम किस तरह से कोकोपीट घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि नारियल के छिलकों से आप किस तरह से कोकोपीट घर पर बिना कैसे मशक्कत के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नारियल के छिलके चाहिए होते हैं, और अब हमें इन नारियल के छिलकों को बीच में से कट करना है। आप देख सकते हैं, उन्हें बीच में से आप दो भाग में अलग करने हैं। और दोस्तों, मैं आपको कोकोपीट बनाने के दो तरीके बताने वाला हूँ, और वो आप जो आपको पसंद आए उनमें से आप उन दो तरीकों में से एक तरीका अपना सकते हैं। और मैं आपको एंड में दिखाऊँगा कि दोनों तरीके से आप बनाने पर कैसा रिजल्ट आता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, इसके ऊपर जो थिक लेयर होता है नारियल के ऊपर, उसे आपको निकाल देना है, नहीं तो आपका कोकोपीट अच्छे से नहीं तैयार होगा। और फिर दोस्तों, आपको इसे हाथ से एक दूसरे से अलग करके इसका बारीक करने हैं, क्योंकि आप इसे जब भी मिक्सर में ग्राइंडिंग करें तो वो अच्छे से ग्राइंड हो। और दोस्तों, अगर आप कोई गार्डनर हो, आप प्लांट लगाते हैं, तो आपको पता ही होगा कोको प्लांट आप हर पौधे में डालना जरूरी होता है, क्योंकि कोको प्लांट से पौधे के अच्छे से ग्रोथ होती है और आपको पौधे का अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलता है। आप कोकोपीट को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, इसके आप नीचे जड़ों के जगह पर आप इसे डाल सकते हैं। तो आपको इस नारियल के छिलकों को अब मिक्सर में डालकर इसे बारीक ग्राइंड करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से मिक्सर में इन सब को डाल दिया है। और दोस्तों, मिक्सर करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाता है। फिर आपको हल्के हाथ से उसके ऊपर जो जो बड़े बड़े नारियल के छिलके बाकी रह गए हैं, उन्हें आपको हाथ से अलग करने हैं। और दोस्तों, फिर आपको थोड़े से इस पर पानी के छिड़काव करना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप पानी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप में आपको अपने कोकोपीट में ज़्यादा नमी चाहिए हो तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, फिर आप इसे एक घंटे तक ऐसे ही साइड में रख दीजिए। दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे अपने गमले में अब दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको अगला तरीका बताने वाला हूँ। आपको इस तरीके से नारियल के छिलके बारीक कट करके लेने हैं। फिर आपको एक बड़े से किसी कटोरे में आपको इस नारियल के छिलकों को रखने हैं और उसे अच्छे से भिगोने हैं। आप इसे एक दिन तक ऐसे ही रखिए। और दोस्तों, अच्छे तरीके से भिगोने के बाद आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अच्छी तरीके से भिगोने का आपको इससे अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी तैयार होती है। तो आपको इसे एक दूसरे से अलग करने अपने हाथ से, या फिर केजीज की मदद से भी आप इसे एक दूसरे से सेपरेट करके इसका बारीक तैयार कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको एक अच्छा सा मिक्सर लेना है और इन सबको उस मिक्सर में डालकर आपको इन सबको ग्राइंड करना है। तो दोस्तों, ग्राइंड हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसे ऐसे पौधे में डाल सकते हैं, या फिर आप इसे वाटर में मिलाकर भी पौधे में डाल सकते हैं। तो दोस्तों,
आप देख सकते हैं हमने जो रात भर भिगो कर रखे थे उसका कोकोबिट कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो हमने सूखे नारियल के छिलकों से किया तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। फिर दोस्तों आप इस कोको पाउडर को किसी भी पौधे में दे सकते हैं।